हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ के मैथ सब्जेक्ट में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन का वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। एक्सरसाइज 1.6 दिया है राउंड ऑफ से, किससे? राउंड ऑफ से। इसमें जो है जो भी क्वेश्चन दिए हैं सब नियरेस्ट से दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। फॉलोइंग नंबर्स का नियरेस्ट टेंस करके क्या करिए, राउंड ऑफ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको राउंड ऑफ करने के लिए हम आपको रूल बता देते हैं कि हम नियरेस्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नियरेस्ट टेंस से, कितने से दिया है, नियरेस्ट टेंस से रिलेटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस करना है, ठीक है, और नियरेस्ट टेंस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे आपको दिखा ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 63 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा। नियरेस्ट टेंस करने के लिए सबसे पहले आप रूल को समझ लीजिए क्या करना है। रूल एक होता है कि हम नियरेस्ट टेंस करने के लिए वंस डिजिट को चेक करते हैं, किस डिजिट को, वंस डिजिट इन 63। इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5 देन वंस डिजिट इज 0, है ना। अगर क्वेश्चन में ये रूल होता है, अगर हम देखते हैं कि 63 में यदि वंस डिजिट क्या हो, 5 से लेस देन हो, 5 से क्या हो, लेस देन हो, तो हम वंस डिजिट को 0 कर देते हैं और टेंस डिजिट में नो चेंजिंग, टेंस डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आप बताइए वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज 3, 3 इज लेस देन 5, 3 जो है 5 से क्या है, लेस देन है। जब लेस देन होगा तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वंस को हम कर देंगे 0, वंस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और टेंस डिजिट में नो चेंजिंग, ठीक है। तो नियरेस्ट टेंस ऑफ 63 इज 60, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड दिया हुआ है 89। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है नियरेस्ट टेंस ऑफ 89, 89 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। फिर वही रूल, अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा डिजिट चेक करेंगे नियरेस्ट टेंस करने के लिए, वंस डिजिट चेक करेंगे। वंस डिजिट इज 9, वंस डिजिट क्या है, 9 है। जब वंस डिजिट 9 है तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 जो है 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप इसको रूल समझ लीजिए, जब भी वंस डिजिट हमारा 5 हो या 5 से मोर देन हो तो हम यहाँ पे वंस डिजिट को 0 कर देंगे और टेंस डिजिट में प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है 9, और 9 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। जो 5 से ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1 को 0 और टेंस डिजिट में प्लस 1, तो 8+1 इज इक्वल टू 9। तो नियरेस्ट ऑफ 89 इज 90, बोलो क्लियर हुआ। जो सॉल्व कर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा नियरेस्ट टेंस ऑफ 89 इज 90। और भी आपको एग्जाम्पल लेके बता दें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको हम सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 145, अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या था, टेंस डिजिट में था। अब हमने एग्जाम्पल जो लिया वो क्या है, हंड्रेड्स में है। तो हंड्रेड्स में हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस करना है। तो इसके लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, जब भी हमें नियरेस्ट टेंस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, वंस डिजिट को ही जो है चेक करना है। और हंड्रेड्स डिजिट दिया हो या थाउजेंड्स दिया हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें चेक करना है, वंस डिजिट चेक करना है। तो इसमें देखिए इन 145 में वंस डिजिट इज 5, वंस डिजिट क्या है, 5 है। अब आपको अभी हमने बताया था कि जब भी वंस डिजिट क्या हो, 5 हो या 5 से मोर देन हो तो हम क्या करते हैं, वंस डिजिट को 0 कर देते हैं और 100 डिजिट में प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ देखिए वंस हमारा क्या हो जाएगा, 0, और टेंस डिजिट में क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, तो 4+1 5, और 100 डिजिट में नो चेंजिंग, बोलो क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको जो है लेके बता देते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं थाउजेंड्स का।
अगर नंबर थाउजेंड्स में दिया हो तब आप कैसे निरस्टेंस करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, थाउजेंड्स में क्या ले लिया जाए, हम थाउजेंड्स में ले लेते हैं 2742। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, 2742 का करना है निरस्टेंस। तो निरस्टेंस करने के लिए तो अभी आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कौन सा डिजिट हमें चेक करना है। तो क्या क्या चेक करना है, वंस डिजिट। अब यहाँ पे देखिए वंस डिजिट इज टू, टू इज लेस देन फाइव, टू फाइव से क्या है कम है। जब कम होगा तो कुछ नहीं करना, आपको बताया ही गया है क्या करना है, वंस डिजिट को जीरो कर देना है। तो हमारा हो जाएगा 2740। बोलो क्लियर हो गया, तो निरस्टेंस आप कर ले जाएंगे, निरस्टेंस हो जाएगा। आते हैं नियरेस्ट हंड्रेड पे, ठीक है। चलिए हम आते हैं नियरेस्ट हंड्रेड पे। क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, नियरेस्ट हंड्रेड करना है, नियरेस्ट हंड्रेड। तो आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट, अभी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा नियरेस्ट एन, तो नेक्स्ट हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड की बुक को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 111। ध्यान से देखिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन दिया हो लिया हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, बुक का सॉल्व किए रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, 111 का नियरेस्ट 100 करना है। अभी आप बताइए नियरेस्टेंस करने के लिए आपने कौन सा डिजिट चेक किया था, आपने चेक किया था नियरेस्टेंस करने के लिए वंस डिजिट। अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए हमें चेक करना है टेंथ डिजिट। यहाँ पे देखिए टेंथ डिजिट क्या है, टेंथ डिजिट इज वन ना, 111 में टेंथ डिजिट क्या है वन। जब यहाँ पे ऐसे होगा तब ध्यान से देखिए हम क्या कर देंगे, वंस और टेंथ को जीरो कर देंगे और हंड्रेड डिजिट में नो चेंजिंग। कब, जब हमारा टेंथ जो है फाइव से क्या होगा, लेस देन होगा। अब यहाँ देखिए फाइव से लेस देन है या नहीं है, लेस देन है, वन इज लेस देन फाइव, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ऐसे देखिए हंड्रेड हम ऐसे लिखते हैं ना, तो हंड्रेड में कितने जीरो होते हैं, टू। तो जब भी हम किसी भी नंबर का जो है नियरेस्ट हंड्रेड करेंगे तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि हाँ दोनों क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा, है ना, तो जीरो आएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों डिजिट को हम क्या कर देंगे, और जीरो। और यहाँ हंड्रेड से डिजिट में क्या कर देंगे, हंड्रेड से डिजिट में क्या होगा बोलो, बताओ जल्दी से, इसमें होगा नो चेंजिंग। तो हमारा हो जाएगा 111 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 100। क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं आप इसका, नियरेस्ट 100 का सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड ले लेते हैं 1560, ठीक है, 1560। अब इसका हमें करना है नियरेस्ट 100। नेक्स्ट हंड्रेड करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट इज सिक्स, सिक्स इज मोर देन फाइव, सिक्स इज जो है क्या है, फाइव से मोर देन है। जब मोर देन है तो हम वन सौ टेंथ को पहले क्या करेंगे, जीरो कर देंगे और हंड्रेड डिजिट में प्लस वन कर लेंगे, वही रूल। तो यहाँ हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स और थाउजेंड डिजिट में नो चेंज, ठीक है, क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और आपको जो है देते हैं, थर्ड आप देख लीजिए, थर्ड हम आपको बता देते हैं थाउजेंड्स में 8670। अब हमें क्या करना है, इसका नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 8670 का हमें नियरेस्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा डिजिट चेक करेंगे, टेंथ डिजिट, और टेंथ डिजिट यहाँ पे है क्या, वन, वन इज लेस देन फाइव, वन फाइव से लेस देन है। तो हम क्या कर देंगे तुरंत, वन सौ टेंथ को जीरो कर देंगे और हंड्रेड से डिजिट में नो चेंज। बोलो समझ में आ गया। तो आप नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट हंड्रेड से ही रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर एक साथ सब सॉल्व करवा देंगे तो आप
को जो है सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ओवरलोड हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा जब। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल क्लासरूम ऐप पे जो है कमेंट करके बता दीजिए।